हे hey एवरीवन मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे जहां पे आपको एजुकेशन मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि यहां पे आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी तरीके का पेमेंट या सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है और साथ में आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करवाता है बुक्स एंड ई बुक्स जो कि आपके लिए अवेलेबल हैं और यहाँ पे आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो इन बुक्स में है बहुत हाई रखा गया है तो अगर आपको इन बुक्स को चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पे आपके पास एक फॉर्म के लिंक मिलेगी आप उसमें डिटेल्स फिल कर दें और हमारी टीम आपको वापस

स्टार्ट नहीं किए हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वापस से जाए वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आप उस प्ले लिस्ट के लिंक पर क्लिक करें और आपके सामने पूरी क्लास इलेवन की मार्क्स की प्ले लिस्ट आ जाएगी फिर जो भी वीडियो आपको देखने का मन हो आप देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की गारंटी मैं आपको 100 परसेंट देता हूं चलिए इसी पॉजिटिव नोट पे भैया अब पढ़ाना स्टार्ट कर देते कि सर कितनी बातें करोगे आप पढ़ ले चलिए पढ़ते हैं तो भैया हमें क्या सीखना है हमें समझना है कि फैक्टोरियल होता क्या है तो फैक्टोरियल को समझाने का सबसे आसान तरीका है कि एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले आऊँ देखिए अगर आपसे कोई कहे कि हमें फैक्टोरियल निकालना है सिक्स का क्या बोले हमें कि हमें फैक्टोरियल निकालना है सिक्स का सिक्स एक नंबर है राइट right इस सिक्स का हमें क्या निकालना है फैक्टोरियल निकालना है तो यहां पे एक लंबा, लंबा स्टेटमेंट हो जाता है तो इसको हम शॉर्ट कैसे करें तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और वो जो सिंबल होता है मैं आपको बता दू हम फैक्टोरियल को शॉर्ट करने के लिए सिंबल का इस्तेमाल करते हैं दो प्रकार के सिंबल होते हैं आप दोनों में से कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हैं एक नया है एक पुराना है मतलब नया पुराना नहीं कुछ लोग ज्यादा उसको यूज करना चाहते हैं मैं बताता हूं दो सिंबल आप यूज कर सकते हैं एक सिंबल ये वाला ये वाला साइन कौन सा है ये वाला साइन दिखाता है फैक्टोरियल को और जिसको आप इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन साइन भी बुलाते हैं तो यहां पे आप मैथ्स uh, पढ़ रहे हैं, तो एक्सक्लेमेशन ना देखें इसको मैथ्स में इसको फैक्टोरियल का साइन देखें जब भी आप ये साइन देखें समझ जाइएगा अच्छा बात चल रही होगी किसकी फैक्टोरियल की अगर आपको ये सिंबल यूज करने का मन ना हो तो आप ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से ये भी आपके फैक्टोरियल को डिनोट करवाने में काम आता है क्लियर है बातें तो अब आज आपने स्टार्टिंग में इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा था फैक्टोरियल ऑफ सेक्स आपको ये लिखने की

सिंबल लगा दें, एक्सक्लेमेशन वाला सिंबल लगा दें, या फिर अगर ऐसा मन नहीं है तो आप ऐसा कर दें, भाई दोनों ही तरीके से आप टेन का फैक्टोरियल निकाल पा रहे हैं पॉइंट क्लियर है बहुत बढ़िया यहाँ पे हम फैक्टोरियल को अब थोड़ा समझते हैं कि ठीक है सर हम सिंबल लगाना तो सीख गए लेकिन इसका मतलब क्या है मैं टेन के पीछे ये सिंबल लगाता हूँ या इस छोटे से ब्रैकेट के अंदर टेन डालता हूँ या फिर कोई भी नंबर डालता हूँ तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है इसका मतलब क्या है चलिए उसको समझते हैं मान लीजिए आपको किसी ने कहा और हम जो है ये वाला सिम्बल बच्चों ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि आपके स्कूल्स में आपके बुक्स में ये वाला सिम्बल ही एक्सटेंसिवली यूज होता है ये वाला सिम्बल जो है थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया है तो आपको देखने को कम मिलेगा

लेते और फैक्टोरियल का क्वेश्चन जो है नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन बन जाता है तो ठीक है ऐसी बेवकूफी अपने को नहीं करनी है बढ़िया चलिए अब जरा हम समझते हैं कि ये सिंबल लगाने का मतलब क्या है जैसे कि मैं यहां पे मान लो सिक्स के पीछे मैंने ये सिंबल लगा दिया तो सर हो गई बात खत्म नहीं ये बात यहां पर खत्म नहीं हुई बात यहां से तो शुरू हुई है हाँ सर समझाइए ना कैसे शुरू हुई है तो सिक्स फैक्टोरियल का मतलब क्या है तो सिक्स फैक्टोरियल का मतलब है कहानी शुरू होगी सिक्स से सिक्स फैक्टोरियल का मतलब है कि कहानी शुरू होगी सिक्स से और हमेशा कहानी हमेशा खत्म होगी वन पे कहानी हमेशा खत्म होगी वन पे जब मैंने यहां पे सिक्स फैक्टोरियल लिखा तो कहानी शुरू होगी सिक्स से और खत्म होगी वन पे अगर मैं यहां पे मान लो नाइन फैक्टोरियल लिखता हूं तो इसका मतलब है कहानी शुरू होगी नाइन से लेकिन खत्म कहां पर

फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पे मैंने 12 फैक्टोरियल लिख दिया तो शुरुआत 12 पे होगी और खत्म कहां पे होगा खत्म वापस पे 1 पे होगा हाँ सर ठीक है सर कहानी की शुरुआत और अंत आपने समझा दिया अब सर कहानी के बीच के किरदार बताओ तो सुनते जाना भैया शुरू 6 पे हुई खत्म 1 पे हुई तो बीच बीच में कौन आएगा बीच में आएगा फाइव फोर थ्री टू राइट अरे बिल्कुल सही बोला ना मैंने शुरू सिक्स पे हुई खत्म वन पे हुई तो बीच में आएगा फाइव फोर थ्री टू प्रॉब्लम है क्या हाँ सर अब ये सर ये क्या क्या लिख दिया आपने ये मतलब ये ऐसे सीक्वेंस लिख देते हैं क्या ऐसे सीरीज लिख देते हैं क्या नहीं ये सीक्वेंस या सीरीज नहीं है बच्चों यहाँ पे बीच में आएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन किसका साइन आएगा बीच में यहाँ पे बीच में आता है मल्टीप्लीकेशन का साइन तो ये होता है सिक्स फैक्टोरियल का मतलब जो आपके सामने मैंने ऐसे दिखाया हाँ वैसे तो बहुत सिंपल सी चीज है इसको इतना ड्रामेटिक वे में समझाने की जरूरत नहीं थी पर इतना ड्रामेटिक वे में मैंने इसलिए समझाया कि आज एक बार रहे हो अगली बार भूलने नहीं चाहिए अच्छा वैसे किसी ने बोला बोला तो हमने भाई कहानी पे पे शुरू होगी वन पे होगी खत्म बीच, है? है, 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 बीच मल्टीप्लाई का साइन है समझ गए बढ़िया तरीके से डिटेल में समझाने की कोशिश की है अच्छा हमेशा याद रखना वन के नीचे मत चला जाना और जिस न नंबर का निकाल रहा उसके ऊपर मत आ जाना और बीच का कोई नंबर मिस मत कर देना जैसे से वन के बीच में गए तो, एट, सेवन, 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 फोर, तो सब, के सब आना चाहिए। For example, ने निकालो। हमने बोला ठीक है है से शुरू पे ख़त्म उसके बाद बीच के किरदार कौन मल्टीप्लाई लगा दो, 11, फिर कौन है फिर लीजिए ये आपका कौन सा फैक्टोरियल बन गया भैया आपका ट्वेल्व फैक्टोरियल बन गया अरे मल्टीप्लाई लास्ट में लगाया नहीं मैंने ट्वेंटी वन बन गया ठीक है अभी बन गया तो यही होता है बच्चों किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालने का मतलब अब यहां पे कुछ बातें हमको ध्यान रखनी पड़ती हैं पहले तो कुछ ऐसे न, आ, अच्छा यहां पे जैसे कि मान लो आ, फैक्टोरियल लिखा मैंने क्या इसको मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं जैसे देखिएगा सिक्स इंटू थ्री कितना तो आंसर तो कितना

जो है समझा दूंगा और आप यकीन मान लेंगे मुझे कि हाँ सर आप सही बोल रहे थे कि जीरो फैक्टोरियल कितना होता है वन होता है फॉर दिस टाइम अभी के लिए आप क्या करें अपने दिमाग में इस बात को बिठा लें कि भाई जीरो फैक्टोरियल का मतलब होता है वन अभी के लिए इस, में इस बात को अपने दिमाग में थोड़ा सा बिठा लें बाकी आने वाली वीडियोस में एक दो वीडियो के बाद आपको डिटेल में इसका मैं प्रूफ समझा दूंगा कि क्यों जीरो फैक्टोरियल एक्चुअली वन होता है समझा अभी भी सकता हूं आप इस तरीके से भी समझ जाएंगे पर मेरा मन नहीं है कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊं आपको थोड़े अलग प्रकार से मैं समझाऊंगा कि भैया यह जीरो फैक्टोरियल कितना होता है हमेशा और हमेशा वन होता है रहेगी बात दिमाग में चलिए बढ़िया अच्छा वन फैक्टोरियल तो ऑब्वियसली वन है कोई इशू नहीं अगर यहाँ

है, तो वो होगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तो वो हो जाएगा आपके पास वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी इसको भी ध्यान रख लीजिए किसी ने बोला नहीं 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 बताओ तो का मतलब है जो कि होता है आपके पास सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी मिनिमम इतने दिमाग में ध्यान रखें थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है आपका मन करे मैं कहूंगा टेन फैक्टोरियल तक रट लेना जैसे कितना होगा खुद बना लेना मेरे हिसाब से होगा 5040 कितना होगा 7 फैक्टोरियल 5040 होगा मेरे हिसाब से 700 7 2 14 का 4 वन कैरी ओवर हाँ 7 फैक्टोरियल होगा 5040 ऐसे ही आप 8 फैक्टोरियल निकाल के याद रख लीजिएगा 9 फैक्टोरियल निकाल के याद रख लीजिएगा और 10 फैक्टोरियल निकाल के याद रख लीजिएगा मिनिमम इतने तो कर ही लेना बच्चों सिक्स फैक्टोरियल तक इनफैक्ट सेवन फैक्टोरियल तक तो कर ही लेना दिमाग में रहेगा तो कई क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं परेशानी का सामना अपने को नहीं करना पड़ता पॉइंट क्लियर है चलो तो अभी तक मैंने क्या क्या सिखाया अभी तक मैंने आपको सिखाया कि फैक्टोरियल होता क्या है भाई फैक्टोरियल का सिग्निफिकेंस क्या होता है अब मैं आपको सिखाऊंगा कि फैक्टोरियल में कौन कौन सी बातें ध्यान रखने लायक होती है जो आपको पता होनी चाहिए कि यार हाँ ऐसा ना हो जाए वरना गड़बड़ हो जाएगी अच्छा अभी तक

पहला फैक्टोरियल बताया था जीरो का फिर आपने बताया था वन का फिर आपने बताया था टू का आप इस तरीके से सारे फैक्टोरियल बताते गए अगर किसी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हो जाए तो जैसे कि कोई बोले कि हमको माइनस वन का फैक्टोरियल निकालना है भाई अभी तक देखो जीरो से पॉजिटिव नंबर्स के फैक्टोरियल की बात करी मैंने जीरो वन टू थ्री फोर इन्हीं सब के फैक्टोरियल की बात करी मैंने तो कोई बोले कि हमको नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल निकालना है जैसे कि माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर या माइनस हंड्रेड तो केस में हम क्या करें जरा उस चीज़ को हम देख लेते हैं देखिए नेगेटिव नंबर के केस में वैसे तो डिस्कशन किया जाता है फैक्टोरियल आपके देखोगे आप कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि माइनस टू का फैक्टोरियल निकाल दो तो इसका जो है डिस्कशन करने की हमें कोई जरूरत नहीं है हम इस चीज को हटा सकते नेगेटिव तो के नंबर केस में आप डिस्कशन ना कीजिएगा अच्छा और किस में हम फैक्टोरियल का डिस्कशन ना करें तो कई लोग बोलते हैं कि यार वन का फैक्टोरियल निकाल दो तो इस केस में भी फैक्टोरियल का डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है भैया जब भी आप फैक्टोरियल का डिस्कशन करें तो आप याद रखिएगा आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जो पॉजिटिव भी नहीं या ये जो एन होना चाहिए ये एक हाँ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और साथ में जो है जीरो भी हो सकता है ठीक है तो ये एन का क्या हो सकता है मतलब एन की पॉसिबल वैल्यूज हैं पॉजिटिव इंटीजर या साथ में जीरो तो आप एन में कभी भी नेगेटिव नहीं देखेंगे एज सच नॉर्मल केसेस में इनफैक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा एन में आपको कभी नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा कोई नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा एन के केस में आपको कोई डेसीमल नंबर भी नहीं मिलेगा हमेशा आपको क्या मिलेगा हमेशा आपको एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा या जीरो अच्छा इसको पॉजिटिव इंटीजर या जीरो की जगह आप होल नंबर बोल देंगे तो और अच्छी बात है कि आपका जो एन है वो होल नंबर हो सकता है जीरो

करता हूं जस्ट अ सेकेंड मैं यहां पे मान लो लिखता हूं कि मुझे सिक्स का फैक्टोरियल निकालना था ठीक है मैंने लिख दिया तो आप बोलेंगे यहाँ सर ये तो बहुत आसान है सिक्स का फैक्टोरियल होता है सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ये होता है सर सिक्स का फैक्टोरियल बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कोई परेशानी नहीं बच्चों पे एक छोटा सा टर्म है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहां से लेकर यहां तक की चीज देखिएगा जरा ये five, four, three, two, क्या बना अब आप बोलोगे सर अरे ये तो कमाल हो गया सर ये फाइव फोर थ्री टू वन तो एक्चुअली हमारा फाइव फैक्टोरियल बन गया गलत बोल रहा हूँ क्या फाइव फोर थ्री टू वन जो लिखा था वो एक्चुअली में क्या हो गया वो एक्चुअली में अपना फाइव फैक्टोरियल हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं कि जो सिक्स फैक्टोरियल है वो हो चुका है सिक्स मल्टी

44 के फैक्टोरियल की बात करें तो आप कहेंगे अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है 44 43 है है का का फैक्टोरियल फैक्टोरियल पॉइंट से आपको एक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं, मैं property ये है कि अगर किसी नंबर आप निकाल रहे हैं तो एक्चुअली वो क्या होता, है? वो होता है, N N 1 का क्या थोड़ी सी गलती कर दी माइनस होना चाहिए मैंने गलती से उसमें प्लस कर दिया एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है किसी नंबर एन का अगर आप फैक्टोरियल निकालते हैं तो वो होता है एन टाइम्स ऑफ एन माइनस वन का फैक्टोरियल मतलब वो नंबर और उससे एक कम देखो ना जैसे आपके पास यहाँ पे नाइन है तो नाइन नंबर और उससे एक कम का फैक्टोरियल ध्यान रखिएगा ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है बहुत क्वेश्चन में यूजफुल होता है अच्छा यहाँ पे थोड़ी बातें और मैं आपसे कर लेता हूँ चलिए अच्छा स्क्रीन ले लीजिए इन चीज़ों का आ, मिस ना हो जाए इसके बाद थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं अपन जैसे कि किसी ने बोला मान लो कि वापस से सिक्स फैक्टोरियल से स्टार्ट कर लो कि यार यारिक्स फैक्टोरियल है तो आप बोलोगे हाँ ठीक है ना तो इसका मतलब क्या है सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इन थ्री इंटू टू इन यही है अभी मैंने पांच से ऐसे ब्रैकेट बनाया था अब मैं यहाँ पे चार से ब्रैकेट बना देता हूँ फोर थ्री टू वन राइट अब देखना ये क्या हो गया भाई ये तो सिक्स फैक्टोरियल है यहाँ पे सिक्स इंटू फाइव है लेकिन ये फोर थ्री टू वन एक्चुअली क्या बन गया बच्चों ये फोर थ्री टू वन तो एक्चुअली फोर का फैक्टोरियल बन गया यानी कि जो सिक्स फैक्टोरियल था उसको हमने क्या लिख दिया Five, और फिर मतलब जो नंबर बचता है उसका फैक्टोरियल कर दीजिए इंटू किसका फैक्टोरियल भैया किसी ने बोला कि हमको फोर्टी एट का फैक्टोरियल तुम इस तरीके से ब्रेक करके दिखाओ तो आप बोलोगे ठीक है फोर्टी एट पहले फिर फोर्टी सेवन और फिर क्या आ जाएगा फिर आ जाएगा यहाँ पे फोर्टी

फैक्टोरियल होता है एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल यानी कि आप जहां चाहे वहां रोक सकते हैं बस उसके पीछे किसका सिंबल लगा दें उसके पीछे आप फैक्टोरियल का सिंबल लगा दे ये रूल की कोई मतलब हदे नहीं है आप इसको कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूं जैसे कि इस रूल को और एक्सटेंड कर लेते हैं हम मान लो क्या लिख सकते हैं मान लो किसी ने बोला कि यार 12 का फैक्टोरियल निकालना है तो पता है आप ऐसे लिख सकते हो ट्वेल्व इंटू इलेवन इंटू आपको मान लो नाइन पे रोकना है तो नाइन पे रोक के आपने फैक्टोरियल लगा दिया ठीक है और मान लो और आपको और पीछे जाके रोकना है तो आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं तो नाइन के पीछे एट लगा दे और फिर फैक्टोरियल लगा दे तो इस रूल की कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है जितना

फैक्टोरियल वन है ये तो जस्टिफाइड है कि वन से शुरू होगा वन पे खत्म होगा तो वन इंटू वन वन ही होता है लेकिन जीरो फैक्टोरियल वन क्यों है इसकी कहानी अपन थोड़ा सा बाद में देखेंगे पॉइंट क्लियर चलिए बढ़िया थ्योरी आपके फैक्टोरियल का खत्म जब अब थ्योरी खत्म हो चुकी है तो अब फैक्टोरियल पे क्या बारी आती है क्वेश्चंस की बारी आती है चलिए तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिफरें टाइप के क्वेश्चंस जो है फैक्टोरियल पे बन सकते हैं और हम हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं अगर यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ इन क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं तो आपको एज सच कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पर मैंने आपको सिक्स फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल सबका मतलब समझाया है आपको पॉइंट क्लियर ही होगा मुझे लगता है आ जाइए अब सवालों पर आते हैं जैसे कि हमने किसी ने हमें क्वेश्चन दिया कि यार इस चीज़ को सॉल्व करो या कंप्यूट

तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है लेकिन हमने किसका इस्तेमाल किया प्रॉपर्टी का कि दिया कैंसिल थ्री फैक्टोरियल तो भैया छोटा है, उसको हमने रख दिया सिक्स फिर कैंसल करा आंसर हमारे पास आ गया तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल कैसे करना चाह रहे हैं और कैसे करते हैं ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा जैसे कि हमें इसको सॉल्व करना है थर्टी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ट्वेंटी एट फैक्टोरियल तो अब यहाँ पे बच्चे क्या है सोचेंगे बच्चे सोचेंगे कि हम थर्टी फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लें अब आप खुद बताओ क्या थर्टी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना आसान आसान क्या नामुमकिन काम है कैलकुलेटर भी एक बार को जवाब दे देगा बड़ा कैलकुलेटर ना हो तो हम बोलेंगे थर्टी फैक्टोरियल का मतलब क्या सिखाया था सर ने थर्टी इंटू ट्वेंटी फैक्टोरियल भैया ट्वेंटी पे ही क्यों रुके क्योंकि नीचे वाले जो ट्वेंटी एट है वो ऊपर वाले ट्वेंटी को

दिखने में इतना टिपिकल था जिसमें हमें लग रहा था कि यार कितना कैलकुलेशन है वो एक्चुअली बहुत इजी निकला बिकॉज़ हमें प्रॉपर्टीज का आईडिया है चलिए ये सवाल हो गया खत्म बढ़ते हैं और सवाल पे सवालों की कमी नहीं है अपने पास ये बढ़िया सवाल है हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके दिखानी है आ जाइए

यहाँ पे नीचे आप 8 फैक्टोरियल को रहने दे कोई परेशानी नहीं ये जो 10 फैक्टोरियल है वो बन गया 10 इनटू 9 इनटू 8 फैक्टोरियल वापस से बीच में प्लस का साइन है ये जो 10 फैक्टोरियल है ये बन जाएगा 10 इनटू 9 फैक्टोरियल अभी तक तो ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो ही गई होंगी अब ये जो नीचे वाला एट फैक्टोरियल है यहां से ये कैंसिल जो नीचे वाला नाइन फैक्टोरियल है यहां से ये कैंसिल तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई देखो जरा यहाँ पे टेन इंटू नाइन बन गया नाइनटी बन गया बीच में प्लस साइन है यहां पे क्या है टेन है बस इनको ऐड कर दो नाइनटी तो प्लस टेन होता है आपके पास हंड्रेड लीजिए भाई आपके पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है कि एक्स कितना है एक्स आपके पास हंड्रेड है तो इतने ही आसान सवाल है आप अगर इतना भी आसानी से आप कर पाते हैं यही समझिए एग्जाम में इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन आप कर पाएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन आपके स्कूल में आते हैं कुछ और क्वेश्चन करते करते हैं हम आ जाइए यहाँ पे बढ़िया सवाल है हमें एक्सप्रेस करना है जो भी हमें दिए गए हैं प्रोडक्ट्स को फैक्टोरियल के रूप में मतलब जो हमें प्रोडक्ट्स दिए गए हैं उनको किसके रूप में एक्सप्रेस करें हम फैक्टोरियल के रूप में वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हैं पहला सवाल तो पहला सवाल आपके पास क्या है पहला सवाल आपके पास है ऐसे दिया उन्होंने फाइव इंटू सिक्स

क्वेश्चन था बढ़िया तो आप सोचिएगा कि आप फैक्टोरियल में उसको कैसे कन्वर्ट करें और कैसे सॉल्व करें फर्स्ट वाला तो हो गया सेकंड वाले पे आइए सेकंड वाला और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है भाई तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया है टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू एट इंटू टेन ये आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया गया है अब तरीका देखिए यहां पे देख सकते हैं आप लोग सारे नंबर्स जो हैं इवन नंबर्स हैं भाई इवन नंबर की खास प्रॉपर्टी होती है कि वो सब के सब किससे किसके मल्टीपल होते हैं टू के मल्टीपल होते हैं तो देखना जरा ये जो

पांच बार है और मल्टीप्लाई में है तो यहां पे एक ब्रैकेट में सिर्फ टू लिख दो देखिए पांच बार जो है मैंने अरे यार वापस से पांच क्यों लिख दिया पांच बार जो है टू थे उनको मैंने एक ब्रैकेट में बंद करके अलग से रख लिया दूसरी तरफ कौन कौन से नंबर बचे तो यहां पे वन बचा यहां पे टू बचा यहां पे थ्री बचा यहां पे फोर बचा और यहां पे फाइव बचा इनको एक दूसरे डब्बे में क्लोज कर लेते हैं हमारे पास वन है टू है थ्री है फोर है और फाइव है पॉइंट क्लियर हो रहा है ठीक है अच्छा ये चीज क्या बनी टू कितनी बार है भाई पांच बार है यानी टू की पावर क्या बन गया टू की पावर फाइव बन गया यहां पे इस चीज को मैं सोचता हूँ रिवर्स कर दू अगर रिवर्स कर दूंगा तो ये हो जाएगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन पॉइंट क्लियर अच्छा

1642 टू होता है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा अब आपको यहां पे सिंपल सा काम करना है कि वन सिक्स फोर्टी टू इन तीन का एल्सियम निकाल देना है चलिए निकाल लेते हैं एल्सियम निकालना तो आपको आता ही होगा तीन नंबर है वन सिक्स और फोर्टी टू इन तीनों के एल्सियम हमें निकालने हैं तो कैसे निकालें सबसे पहले हम यहां पे टू से डिवाइड कर लेते हैं तो वन को तो कुछ होगा नहीं टू थ्री सिक्स और ये हो जाएगा आपके पास ट्वेंटी वन पॉइंट क्लियर इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना हम थ्री से डिवाइड कर लें तो थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये वन बन जाएगा ये सेवन बन जाएगा और लास्ट में जो है हम सेवन से डिवाइड कर लेते हैं तो खत्म हो जाएगा और यहां पे क्या बचेगा ये भी खत्म हो गया तो आपके पास ये तीन

बच्चों इस 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल रहने दो पर ये जो 42 है क्या मैं इसको वापस से 7 इंटू सिक्स लिख सकता हूं 42 को क्या लिख सकता हूं मैं 7 इंटू सिक्स लिख सकता हूं अब थोड़ा सा चीजों को अरेंज कर देता हूं मैं कैसे अरेंज करूंगा देखना जरा 7 और 6 को मैं आगे लिख दूंगा और जो फाइव फैक्टोरियल है मैं इसको कहां लिख दूंगा मैं इसको पीछे लिख दूंगा प्रोसेस क्लियर है सेवन और सिक्स को आगे लिख दिया फाइव फैक्टोरियल को मैंने पीछे लिख दिया तो ये हो गया सेवन सिक्स फाइव फैक्टोरियल अरे सर ये तो आपने ही हमें पढ़ाया था कि ये होगा सेवन फैक्टोरियल गलत बोल रहा हूं

पड़ेगा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लास्ट में ये प्रॉपर्टी अगर आपको आती है फिर ये आंसर लिखना जरूरी है अगर आप क्वेश्चन को यहां पे छोड़ देंगे ना फिर भी आपके मार्क्स जो है थोड़े से डिडक्ट हो जाएंगे तो इसको सॉल्व करके आप फाइनल आंसर लिखिएगा सेवन फैक्टोरियल डन चलिए तो यह सवाल हो गया यहां पर खत्म बढ़ते हैं एक और सवाल पे यहां पे हमें बच्चों एक इक्वेशन दी गई है और उस इक्वेशन की मदद से हमें एन की वैल्यू निकाल के दिखानी है बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाइए तो इक्वेशन दी गई है आपको एन प्लस वन का फैक्टोरियल जो कि बराबर है 90 टाइम्स ऑफ का फैक्टोरियल ये चीज आपको गिवन है है ना अब तरीका सीखिए भैया ये एन प्लस का फैक्टोरियल है मैंने आपको किसी भी नंबर के फैक्टोरियल के केस में सिखाया है जैसे कि मान लो सेवन फैक्टोरियल है तो आप उसको रिवर्स में जाते हो सेवन सिक्स और हो सकता है आप

तो हमने सेवन शुरू किया सेवन से एक कम सिक्स और मुझे मान लो पांच पे रुकना था तो मैं पांच पे रुक के पांच फैक्टोरियल मैंने लगा दिया यहां पर एन प्लस वन का फैक्टोरियल था तो पहला एन प्लस वन उसमें से एक घटाया तो एन उसमें से एक और घटाया तो एन माइनस वन और यहां पे रुक गया क्योंकि राइट हैंड साइड में भी कहानी कहां रुकी है एन माइनस वन पे रुकी है जानबूझ के मैं ऐसा आया हूं कि एन माइनस वन फैक्टोरियल दोनों तरफ कैंसिल हो जाए ये तो लेफ्ट हैंड साइड की कहानी हो गई भाई राइट हैंड साइड है अपने पास नाइनटी टाइम्स ऑफ एन माइनस वन फैक्टोरियल अब इतना तो आप सभी लोग बोलेंगे कि हाँ सर यहां पे ये यह वाली पूरी चीज और ये वाली पूरी चीज क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी तो हमने उसको कैंसिल कर दिया यहां पर देखो आप लेफ्ट में क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा यहां पर बचा है एन यहाँ पे बचा है आपके पास एन जबकि राइट हैंड साइड में क्या क्या है 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 आपके पास? हैंड में है आपके पास पास में अब सुनिए ये जो एन प्लस वन एन बचा है, क्या मैं इसको एकदम ध्यान से देखते जाना मैं मैं इसको 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 ये जो है क्या लिख सकता हुआ? तो आप आप बोलेंगे हाँ जी सर आप इसको लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे हाँ। इंटू नाइन लिख सकते हैं ये जो आपका टेन है मैंने उसको क्या लिख दिया नाइन प्लस वन लिख दिया तो ये इक्वेशन आपके सामने कुछ ऐसी बन गई इस पूरी इक्वेशन को आप ध्यान से देख लें अब आपको इस इक्वेशन में क्या करना है अब आपको इस इक्वेशन में एन की वैल्यू फाइंड करनी है कैसे फाइंड करोगे यहां पे है एन प्लस वन इंटू एन यहां पर है नाइन प्लस वन इंटू नाइन तो बच्चों कंपेयर करोगे तो पूरी दुनिया में सभी लोग बोलेंगे कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्चुअली नाइन हो जाएगी भाई कंपेरिजन ही तो करना है एन प्लस वन इंटू एन है नाइन प्लस वन इंटू नाइन है तो कंपेरिजन करने पर आपके एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके एन की वैल्यू नाइन हो जाएगी लीजिए भाई आपने एन की वैल्यू फाइंड कर दी कि एन की वैल्यू नाइन होती है तो बेसिक प्रॉपर्टी अगेन हमें काम आई

हम तो क्या है सिक्सटी टाइम्स ऑफ

बच्चों सिक्सटी का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं पर कह लो एक तरीके से फैक्टराइजेशन कहते हैं तो सिक्सटी को मैं लिख दूंगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री आप खुद मुझे बताइए क्या मैं को इंटू थ्री लिख सकता हूँ फाइव फोर जॉ ट्वेंटी बिल्कुल लिख सकता हूं कोई परेशानी नहीं अभी कहानी और थोड़ी सी बढ़ाएंगे अपन तो इसको हम रहने देंगे एन प्लस टू यहां पर आ जाएगा एन प्लस वन मतलब लेफ्ट हैंड साइड को तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अपन राइट हैंड साइड में बच्चों सुनना क्या करेंगे देखो यहां पर जो फाइव है इस फाइव को मैं लिखूंगा

आपके एन की वैल्यूज क्वेश्चन में थ्री होगी लीजिए इस तरीके से आपके एन की वैल्यू आ जाएगी तो ऐसे आप हमेशा फैक्टराइज करके देख लीजिएगा फिर कंपेयर करके आंसर निकालिएगा कुछ लोग क्या करते हैं वो सोचते हैं कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें पूरा जो है एन को एक्सपांड करके एक क्यूबिक इक्वेशन बनाते हैं यहां पर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर वो क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने बैठ जाते हैं जब वो इस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने बैठ जाते हैं तो भैया बहुत लंबा टाइम लग जाता है जो क्वेश्चन अभी अपन ने दो मिनट में सोल्व किया वही क्वेश्चन ऑलमोस्ट आठ से नौ मिनट का हो जाता है तो उस प्रोसेस को अवॉइड

एनी नेचुरल नंबर बिटवीन टू एंड एन सिंपल सी चीज हमको प्रूव करनी है कि जो एन फैक्टोरियल प्लस वन है वो किसी भी ऐसे नेचुरल नंबर से डिविजिबल नहीं है जो कि दो और एन के बीच में आता है मतलब कौन सा नंबर एन फैक्टोरियल प्लस वन हमें किसको देखो सुनो यहां आपको, आपको प्रूव करना है किससे नॉट डिविजिबल है तो ये नॉट डिविजिबल है उन सभी नंबरों से जो पता है किसके बीच में आते हैं टू से एन के बीच में आते हैं है. इनके बीच में आने वाले नंबरों से यह डिविजिबल नहीं है टू और एन के बीच में कौन सा नंबर आएंगे जैसे टू और एन के बीच में आएगा थ्री फिर कौन आएगा फिर आएगा फोर फिर कौन आएगा फाइव ऐसे ही एन से पहले कौन सा होता है एन माइनस वन इतने सारे नंबर इसके बीच में आते हैं बस आपको यह प्रूव कर देना है कि ये उन सभी से डिविजिबल नहीं है चलिए देखिए बहुत सिंपल सोल्यूशन है देखने में लग सकता है कि यार क्या क्या करना है पर है बहुत सिंपल सुनो इसको बहुत बेसिक तरीके से तो रिवर्स मतलब मतलब ऑर्डर में, में और ऐसे अपन जाते जाएंगे कहां तक लास्ट में आ जाएगा थ्री फिर आ जाएगा टू फिर आ जाएगा कहानी कहां खत्म होती है वन पे खत्म होती है तो मैंने आपको सिखाया था कि एन फैक्टोरियल को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों

दो आ गया तीन आ गया यहाँ पे चार होगा ऐसे ही एन माइनस टू एन माइनस वन सर हाँ वो सारे नंबर मल्टीप्लाई में आ गए जो दो और एन के बीच में है अरे यार अगर सारे नंबर इसमें मल्टीप्लीकेशन में आ गए इसका मतलब पता है क्या इसका मतलब ये है कि अपना जो एन फैक्टोरियल है वो डिविजिबल है अपना एन फैक्टोरियल क्या है बच्चों अपना एन फैक्टोरियल जो है वो डिविजिबल है किससे डिविजिबल है उन सारे नंबर से एन फैक्टोरियल डिविजिबल है उन सारे नंबर से जो दो और एन के क्या है बीच में है पॉइंट क्लियर हो रहा है अच्छा ऐसा मैंने कैसे बोल दिया कि एन फैक्टोरियल डिविजिबल है उन सारे नंबर से दो और N के बीच में है ऐसा मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि एन फैक्टोरियल का जो एक्सपांशन है उस एक्सपांशन में वो सारे नंबर आ रहे हैं

उन सारे नंबरों से जो कि दो और एन के बीच में आते हैं पर इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया इसमें हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया वन और जैसे ही हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया वन तो समझ जाइएगा कि अब ये ये जो फैक्टोरियल प्लस वन है ना डिविजिबल नहीं होगा क्यों नहीं डिविजिबल होगा अरे ये चीज डिविजिबल है ये जो एन फैक्टोरियल है ये तो डिविजिबल है पर इसमें जो ये एक्स्ट्रा चीज आई है ये एक्चुअली रिमाइंडर है बच्चों रिमाइंडर है रिमाइंडर समझते हैं ना आप किसी चीज को डिवाइड करने पे जो चीज

जहां जहां मैंने ऐसा वाला साइन डाला है वहां वहां पैसा लिख दीजिएगा ऑल स बिटवीन टू एंड एन क्योंकि आप ऐसा तो लिख नहीं पाओगे एग्जाम में तो आप इस साइन की जगह जो मैंने सिंबॉलिक रूप से दिखाने की कोशिश की है हर जगह एरो की मदद से आप वहां पे एग्जाम में लिख दीजिएगा ऑल बिटवीन एंड इतना लिख दोगे काम बन जाएगा तो देखिए वापस से समझा देता हूं हमें एन फैक्टोरियल प्लस वन की बात करनी थी पर मैंने शुरुआत की एन फैक्टोरियल से मैंने आपको एन फैक्टोरियल का एक्सपांशन दिखाया और मैंने बताया कि इसके एक्सपांशन में मल्टीप्लीकेशन में वो सारे नंबर आते हैं जो कि दो और एन के बीच में है और अगर वो सारे नंबर आते हैं जो दो और एन के बीच में है यानी कि एन फैक्टोरियल जो है वो तो डिविजिबल है उन सारे नंबरों से जो दो और एन के बीच में आते हैं लेकिन हमने उसमें क्या एक्स्ट्रा एड किया है भैया एन फैक्टोरियल डिविजिबल था वो

बहुत फेमस क्वेश्चन है कई बार आपके पुराने पेपरों में जो क्लास इलेवन के अलग अलग स्कूलों में होता है मैंने ये क्वेश्चन देखा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया है चलिए ये एक और क्वेश्चन हो गया खत्म बढ़ते हैं एक और अगले सवाल पे अगला सवाल और आसान सवाल है तो हमको प्रूफ करना है एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपू एन माइनस आर प्लस वन इस चीज के बराबर है यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या लिख रहे हो आप कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो यहाँ पे हमें पहले तो मैं लिख देता हूं कि हमें प्रूफ क्या करना है तो बच्चों इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है एन टाइम्स ऑफ एन माइनस वन चीजें मल्टीप्लाई में है फिर एन माइनस टू है फिर यहाँ पे एन माइनस थ्री होगा ऐसे अपन जाते गए कहां तक गए अपन जाते जाते गए एन माइनस आर प्लस वन तक और ये कितने के बराबर है ये बराबर है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल ये हमें क्या करना है, प्रूफ, करना है. अब प्रूफ करने के लिए आप बहुत सिंपल चीजें जानते हैं कि अगर आपको कोई चीज प्रूफ करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड से उठाइए राइट हैंड साइड प्रूफ कर दीजिए या राइट हैंड साइड से उठाइए लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दीजिए पर आपको देखना पड़ेगा आसान कौन सा पड़ता है तो मैं हमेशा सिखाता हूं जो साइड छोटा रहता है जनरली उधर से चीजें आसान पड़ती है तो यहां पे लेफ्ट

फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं यार इसको यहां करने की जगह अपन अगले पेज में करते हैं यहां क्या जगह की कमी पड़ जाएगी अपने पास भारी चलो राइट हैंड साइड लिखते हैं यहां पे अपन अपना जो राइट हैंड साइड है वो क्या है अपना राइट हैंड साइड है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल ठीक है अब देखिए तो सबसे पहले बच्चों अपन बच्चोंटर को थोड़ा सा करेंगे थोड़ा सा क्या पूरा ही कर लेंगे एन मल्टीप्लाइडेड बाई एन माइनस वन फिर हम इसको लिख देंगे एन माइनस टू पॉइंट क्लियर होते जा रहा है फिर हम इसको लिख देंगे एन माइनस थ्री है ना ऐसे हम चलते जाएंगे ऐसे हम चलते चलते कहां तक पहुंचेंगे तो ऐसे हम चलते चलते क्या मैं एन माइनस आर पे रुक सकता हूं

माइनस फैक्टोरियल पे रोका है पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताइए हो रहा है क्लियर बढ़िया अब सुनिए भाई डिनोमिनेटर तो अभी भी सेम है एज इट इज है उधर कुछ नहीं करना है डिनोमिनेटर अपने पास क्या है डिनोमिनेटर अपने पास एन माइनस का फैक्टोरियल है बच्चों यहां पर आपका फोकस पता है कहां होना चाहिए इधर देखिए यहां पे सबसे पहले कौन सा नंबर आया वन आया फिर अगला नंबर कौन सा आया टू आया इसका अगला नंबर कौन सा आया थ्री आया यहां पे एक टर्म होगा उसमें कौन सा नंबर होगा एन माइनस फोर होगा समझ में आ रही है बात ऐसे ही जाते जाते हम कहां तक पहुंच रहे हैं ऐसे ही जाते जाते हम यहां तक पहुंच रहे एन माइनस आर फैक्टोरियल पे तो यहां पर अगर थोड़ा सा आप ध्यान से समझोगे लॉजिक लगाना है लॉजिक कैसे लगाओगे कि यार अगर ये टर्म है एन माइनस फोर वाला देखते जाना अगर ये टर्म है एन माइनस फोर वाला तो इससे पिछला वाला टर्म क्या था

जीरो घटाओगे तो एन पाओगे तो यहां पे लॉजिक समझिए कि, कि किसी टर्म को आप कंसीडर करते हैं तो उससे जस्ट पिछला वाला टर्म क्या होता है N अपनी जगह आता है लेकिन जो नंबर वहां पे माइनस में है माइनस भी अपनी जगह है बस उस नंबर से एक कम तो फोर में से एक घटाया तीन मिल गया ऐसे ही एन माइनस थ्री था तो पिछला, जस्ट पहले वाला टर्म, exactly N आएगा, अपनी आएगा पर थ्री की जगह यहां पे क्या आ गया? टू आ गया इससे पहले देखो एन अपनी जगह आएगा माइनस अपनी जगह आएगा लेकिन टू से एक कम वन आएगा बच्चों यही रूल यहां भी वैलिड होगा इस टर्म पे भी वैलिड होगा सर इस टर्म पे भी वैलिड होगा इससे जब पिछला वाला टर्म अपन लिख सकते हैं क्या बिल्कुल सर लिख सकते हैं इसी रूल को फॉलो करके क्या रूल सिखाया मैंने अब इस रूल को सिखाने के लिए मुझे जरा इसको हटाना पड़ेगा जगह क्रिएट करनी पड़ेगी बच्चों बीच में डॉट डॉट है डॉट डॉट का मतलब बीच में और भी टर्म्स है जिनको हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें पैटर्न समझ में आ चुका है अब क्या पैटर्न समझ में आ गया है मैंने ये सिखाया कि जो ये टर्म है उससे पहले वाला टर्म लिखने के लिए मैंने क्या बोला कि पहले तो एक ब्रैकेट बनाओ ठीक है और उस ब्रैकेट में एन अपनी जगह रहेगा तो एन अपनी जगह आ गया कोई परेशानी मैंने बोला माइनस भी अपनी जगह रहेगा माइनस भी अपनी जगह आ गया लेकिन इस टर्म के साथ मैंने क्या बोला था उससे एक कम जैसे यहां पे तीन था तो उससे एक कम दो दो था तो उससे एक कम एक वन यहां पे आर है तो आर से एक कम का मतलब क्या है आर से एक कम का मतलब है आर माइनस वन ये पॉइंट क्लियर हुआ मैंने कैसे r 1 लिखा भैया पैटर्न सीखिए आप जो मैंने सिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे n 3 है तो n अपनी जगह माइनस अपनी जगह तीन में से एक घटाया क्या मिला हमें दो मिला तो वही पैटर्न हमने यहां पे फॉलो किया हमने यहां पे n r का फैक्टोरियल लिखा था मैंने बोला n अपनी जगह माइनस अपनी जगह लेकिन r से एक कम कैसे करोगे भैया r में से 1 घटा दोगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा अच्छा ये समझ में आ चुका था ना तो n r फैक्टोरियल कैसे आया तो हमने n को एक्सपैंड किया था तो n को हमने कैसे एक्सपैंड किया था

पे पे रोकी तो फैक्टोरियल लगा दिया और फिर मैंने एक पैटर्न अपने दिमाग में देखा कि यार जो प, आ, बाद का टर्म टर्म है उससे पहले वाला कैसे लिखते हैं अपनी जगह अपनी जगह लेकिन जो नंबर पीछे है उससे एक कम, थ्री में से एक कम कम में से बस वही चीज़ लगाई कि यहाँ पे N R का है, तो N अपनी ऐसा बन गया होगी

ब्रैकेट है वहां पे n माइनस आर फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया अब इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों n अपनी जगह रहेगा ये माइनस अंदर गया तो माइनस जब r के साथ गया तो माइनस आर बना देगा ये माइनस जब वन से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस पे क्या बना देगा? प्लस वन बना देगा और हमारा जो आ, हमने शुरू किया था एल से उसको सोल्व करके हमें ये चीज मिली अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो चीज आपको मिली है ये एक्चुअली आपका लेफ्ट हैंड साइड है ध्यान से देखिए जो चीज आपने सोल्व करके निकाली है वो एक्चुअली में कौन है आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो भले ही आप

टू एन का फैक्टोरियल ठीक है और नीचे है अपने पास एन का फैक्टोरियल ये हमारा बराबर होना चाहिए टू की पावर एन कहां तक जाना है हमको 2N -1 तक जाना है है पॉइंट क्लियर हमको ये प्रूफ करना है वापस से क्योंकि प्रूफ का क्वेश्चन है तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली एल एच एस छोटा है तो यहां से शुरुआत करना आसान रहेगा तो हम एल एच एस से शुरुआत करते हैं हमारा जो एल एच एस है वो क्या है हमारा जो एल है बच्चों वो हमारे पास है लिखते हैं इसको टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल हमारे पास एल है टू एन का फैक्टोरियल और फिर क्या है फिर है अपने पास नीचे है एन का फैक्टोरियल बच्चों यहां पे करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं तो सबसे पहले हम न्यूमिरेटर को एक्सपांड करते हैं यानी कि टू एन फैक्टोरियल को हम एक्सपांड करते हैं तो अगर आप टू एन फैक्टोरियल को एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा भैया शुरुआत टू एन से होगी फिर उसके बाद उसमें से एक रिवर्स ऑर्डर में जाना एक एक घटाना है फिर टू एन होगा फिर इसके बाद क्या होगा फिर आपके पास टू एन

तो कुछ नंबर्स इवन हैं और कुछ नंबर्स ऑड हैं क्या बोल रहा हूं मैं न्यूमिरेटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि कुछ कुछ नंबर नंबर इवन है है ऑड और अल्टरनेट में माइनस टू देखो अब ऑल्टरनेट में जाएगा इवन ऑड ये भी इवन ये भी ऑड फिर ये भी इवन ये भी ऑड ऐसे ही लास्ट में जाओगे देखो ये ऑड है ये इवन है ये वापस से कौन है ऑड है मैं कहता हूं सारे ऑड वालों को साथ में रख लो

इवेंट वालों को साथ में रखते हो तो यहां पे क्या है यहां पे आपके पास 2n है इसके बाद अगला इवेंट कौन है अगला इवेंट ये है आपके पास ये है 2n एन ठीक है उसके बाद अगला इवेंट कौन सा होगा अगला इवेंट है आपके पास 2n एन तो यहां पे लिख देते हैं अपन और लास्ट में जाते जाते कौन कौन से होंगे फिर आपके पास बचेगा यहाँ पे फोर और यहां पे कौन सा बचेगा यहां पे आपके पास बचेगा टू पॉइंट क्लियर हो रहा है और डिनोमिनेटर को अभी भी हम लिख देंगे एन फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में हम अभी भी कोई चेंज नहीं करेंगे तो कलेक्शन हमने कैसे किया क्लियर है ना पहले इवेंट वालों को अलग ले लिया

ना आप लोग कंफ्यूज हो ही जाओगे ऑड वालों को अलग लिख लेते हैं अपन ऑड वाले हैं अपने पास 2n एन माइनस फिर क्या है फिर है अपने पास 2n एन माइनस थ्री करेक्ट यहाँ पे क्या है यहाँ पे 2n एन माइनस है ऐसे अपन चलते गए यहाँ पे थ्री और यहाँ पे वन ये अपने ऑड वाले हो गए अब इवन वालों में बच्चों एक बहुत ही शानदार चीज है मैं आपको दिखाता हूँ देखिए अगर आप इवन वाले में देखेंगे जैसे ये 2n है, 2n है, का मतलब क्या है? 2n बचेगा अंदर बचेगा एन माइनस पॉइंट क्लियर हो रहा है ये क्या है टू एन वापस से टू को कॉमन ले सकता हूँ ले सकता हूँ तो अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा एन माइनस ये पॉइंट क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर इवन नंबर को हम टू का मतलब

लिखा है फिर अगले वाले को मैंने टू टाइम्स ऑफ n माइनस वन लिखा है एक बार चेक कर लीजिए वीडियो को पीछे ले जाके फिर उसके अगले वाले को मैंने टू टाइम्स ऑफ n माइनस टू लिखा है करेक्ट और ऐसे ही जाते जाते जो आपका फोर है मैंने उसको टू इंटू टू लिखा है और जो टू है उसको मैंने क्या लिख दिया उसको मैंने टू इंटू वन लिख दिया तो इस तरीके से मैंने कुछ लिखा है डिनोमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर अपने पास एन फैक्टोरियल है मैंने उसको रहने दिया अब सुनिए बच्चों इंटरेस्टिंग चीज न्यूमिनेटर में अभी भी जो ऑर्ड वाले हैं उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं आप रहने टू एन माइनस वन इंट एन माइनस को चेंज मत करना यहां पे चलते गए 3 into 1। लेकिन ये जो इवन इवन वाले हैं क्या हर एक टर्म में आपको एक टू मिल रहा है यहां पे टू है यहां पर भी टू है यहां पर भी, भी टू है और यहां पर भी टू है क्या आप हर इवन वाले टर्म में एक टू देख सकते हैं बिल्कुल देख सकते हैं ये टू कितने कितनी बार आएगा देखो जरा ये n है ये n 1 है ये n 2 है ये जाओगे ना बच्चों ये जो 2 है कितनी बार आएगा n टाइम्स आएगा कैसे पता n टाइम्स आएगा तो यहाँ पे शुरुआत 1 से हुई खत्म कहाँ पे हुआ n पे हुआ देखो शुरुआत वहां पे 1 से हुई है खत्म n पे हुआ है यानी कि हमारे पास कितने टर्म्स हैं टोटल n टर्म्स हैं अरे फर्स्ट टर्म देखो ऐसे देखो

अरे सर ये एन फैक्टोरियल तो इस एन फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल सही बात है जैसे ही कैंसिल हुआ तो क्या क्या बचा उन चीजों को लिखते हैं जैसे ही कैंसिल हुआ तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्ड वाले टर्म्स बच गए यानी कि टू एन माइनस वन फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में टू एन माइनस थ्री फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में सिर्फ ऑर्ड वाले टू एन और ऐसे सर हम चलते चले गए तो ऑर्ड में और क्या बचेगा फाइव बचेगा थ्री बचेगा और वन बचेगा है ना और लास्ट में एक और चीज बची है बच्चों की पावर एन क्या बचा है अपने पास तो शुरुआत में लिख देता हूं ऐसे और पूरे ऑड वाले को एक ब्रैकेट में रख देता हूं तो ब्रैकेट में ऑड वाले कौन कौन है टू एन है आपके पास टू एंड है फिर आपके पास टू एंड है और लास्ट में जाते जाते सिर्फ ऑर्ड वाले यानी कि यहाँ पे फाइव है यहाँ

-1 n 2 अप टू 1 अब ये पूरी चीज को मैंने n फैक्टोरियल लिख दिया नीचे वाले डिनोमिनेटर से क्या कर दिया कैंसिल कर दिया जब इतनी कहानी सेट हो गई बस चीजों को अरेंज करने की देर थी मेरा एलएचएस जो है आरएचएस बन गया दोनों इक्वल हो गए और हमारा क्वेश्चन जो है हेंस प्रूव्ड हो गया तो ये पूरा प्रोसेस अपन अपनाते हैं इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट था और रहता है एग्जाम में और इसी के साथ अपन इस वीडियो वीडियो को क्या करेंगे करेंगे फिनिश ऑफ लेकिन जाते जाने से पहले आपको अगली वीडियो का टारगेट बता देता हूं कि अगली वीडियो में जो है यहां भैया फैक्टोरियल खत्म हो गया बेसिकली अपन ने चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझने में हेल्प करेगा उसको हमने यहां पर खत्म किया है अब अगली वीडियो जो है पता है वो किस चीज पर बेस्ड होगी वहां पर शुरुआत करेंगे परम्यूटेशन की तो अब मैं आपको समझाऊं

समझेंगे तो वो होगा अगली वीडियो का टारगेट ये वीडियो यहां पे खत्म है लेकिन जाने से पहले आपको कुछ बातें बता देता हूं जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए सुनना जरूरी है अब देखिए भैया आपको तो मालूम ही होगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत अलग अलग तरीकों से आप पढ़ाई कर सकते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म है मोबाइल एप्लीकेशन है साथ में इसका वेबसाइट डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम है बताया उससे खास बात बताऊं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए हम बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल करवाते हैं और ये जो बुक्स और ई बुक्स हम आपको अवेलेबल करवाते हैं ये आपके किंडर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक के सारे बुक्स रहते हैं बहुत बढ़िया बुक्स हैं हाई क्वालिटी कंटेंट हमने उसमें मेंटेन किया है और साथ में हमने उसको अलग अलग पार्ट्स में क्लासिस

पे आप 100% वीडियो लेक्चर्स फ्री में तो देखते ही हैं कहीं पे आपको कोई भी तकलीफ होती है नहीं ठीक है और हर एक वीडियो में हाई क्वालिटी कंटेंट रहता है आपके लिए और इतने सारे कोर्सेस हम आपके लिए कवर करते हैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ही जिसका मैं टारगेट ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम परिम्यूटेशंस को समझना शुरू करेंगे अगले वीडियो में फिलहाल ये वीडियो इतना ही था और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर थोड़े से अच्छे कमेंट करके मोटिवेट कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप स्टडिंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन स्टेट यू डट माइग्नेट ब्रेन्स एंड वी विल डेफिनेटली मीट इन द नेक्स्ट वीडियो